के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, फिर खिलेगा केंद्र में कमल, मोदी होंगे प्रधानमंत्री। गठबंधन पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने भी दिया था करारा जवाब। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्य चुनाव आयोग ने लिया चुनाव तैयारियों का जायजा, आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालन करने के दिए निर्देश। डीएम की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बताया गया निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नायक ने किया 64 लोकसभा क्षेत्र के संगठन की गतिविधियों की समीक्षा, कहा विचार विमर्श करके संगठन को करेंगे मजबूत। सदर सांसद सहित 600 अज्ञात साथियों पर दर्ज हुए प्राथमिकी का सपा ने किया विरोध, प्राथमिकी वापसी के लिए डीएम से मिलकर सौंपा ज्ञापन। चौरी चौरा पुलिस ने बरामद किया हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब, नंबर बदलकर करते थे तस्करी, एसपी नाथ ने कहा पकड़े गए शराब की कीमत लगभग 2 लाख, एक गिरफ्तार। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई महानगर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक, होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश, कहा त्योहारों में खलल डालने वालों की खैर नहीं। सपा से भाजपा का दामन थामने के बाद पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद की पत्नी पूर्व विधायक राजमती व उनके पुत्र अमरेंद्र निषाद पहुंचे गोरखनाथ मंदिर, किया पूजा अर्चना। डी कमिश्नर्स कोर्ट बार एसोसिएशन का संपन्न हुआ नव निर्वाचित पदाधिकारी गढ़ परिचय समारोह कार्यक्रम, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने पदाधिकारियों को दायित्व के प्रति निष्ठावान रहने का दिलाया संकल्प। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से मिले पार्टी के पदाधिकारी, टिकट के लिए समर्थकों के साथ पेश की दावेदारी। और विभिन्न मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता, मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन।